ओके सो व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने बेसिकली क्या करना है कि अगर मैं आपसे ये कहूं तो बेसिकली इस सवाल में क्या कह रहा है वो, इस सवाल में ये कह रहा है वो कि मैंने एक फंक्शन बनाना है, ठीक है? सो आई वॉन्ट टू मेक ए फंक्शन, ठीक है? और इसकी रिटर्न टाइप ऑफ कोर्स क्या होनी चाहिए? इंट, और इसका नाम होना चाहिए नियरेस्ट नियरेस्ट नेबर, ठीक है? एक इसको इंटीजर अरे पास होनी चाहिए, इंटीजर साइज पास होना चाहिए, इंटीजर टी पास होना चाहिए। और इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि इस टी से करीब तरीन जो भी एलिमेंट है मुझे ढूंढना। चलिए जी, कोई आइडिया बताए जी। फिर कोई और बताए, डिफरेंस तो अल्फोज लेने ही लेंगे, तो क्या होगा? एक और अरे बनाए, एक और अरे बना ले, एक और अरे बना ले। हाँ अच्छा, माइंड सर्च कर लेंगे। माइंड सर्च कैसे? शॉर्ट कर लें, शॉर्ट करने क्या जरूरत है? सुने 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 नरमीन, बात सुने, सॉर्टिंग वाली बात भी शायद शायद हो, लेकिन उससे उससे कम में काम हो सकता है। लेकिन असल में ना सॉर्टिंग नहीं है ना, अरे हमें सॉर्टेड नहीं दी थी, तो हमने टी ढूंढनी है सरे के अंदर, ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो टी के सबसे करीब तरीन हो, और ये सॉर्टेड नहीं है, ठीक है? तो बाय द वे ऊपर मैं एक एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इसका नाम रख रहा हूँ कॉन्स्टेंट कैपेसिटी। कैपेसिटी इज इक्वल टू लेट से 1000 कर लेते, ठीक है जी? काइंडली आपने लिखना नहीं है, पेंस डाउन प्लीज, ठीक है? अच्छा, अब हमें बेसिकली क्या करना है, अगर देखें तो हमने बेसिकली इसका नियरेस्ट एलिमेंट हो, ठीक है? तो अगर मैं इस नियरेस्ट एलिमेंट की बात करूं तो यार आपका एनोटेटर है? एनोटेटर तो है ही नहीं, मैं क्या करूं उसका? ओए जूम है यार, इंटरनेट तुम्हारा चल नहीं रहा, तो मैं एनोटेटर नहीं यूज कर सकता। सो सॉरी अबाउट दैट, आई हैव टू वर्क ऑन दिस, ओके समहाउ। चलिए जी, तो हम अज्यूम, सो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली एक और अरे बनानी है जिसके अंदर मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे इस टी वैल्यू के इस ए वैल्यू, ए की अरे की वैल्यू से डिफरेंसेस लेने, ठीक है? तो एक आइडिया क्या हो सकता है, और वाइज जो आइडिया बात कर रहे हैं इस आइडिया की बेस के ऊपर हम काफी सारे काम करेंगे, तो यही आइडिया आगे हम एक्सटेंड करेंगे। और वो ये है कि मैं ऐसे करता हूं, एक मैं डीज की अरे बनाता हूँ, डी स्टैंड फॉर डिफरेंसेस, ओके? और इसको मैं कैपेसिटी साइज की बना देता हूँ, ठीक है? और इसको शुरू में मैं लेट से आई डोंट नो, शुरू में कुछ सी से इनिशियलाइज कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी? मुझे बताएं, मुझे डिफरेंसेस कंप्यूट करने, तो कैसे कंप्यूट करेंगे बताएं मुझे जी? फॉर लूप, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, क्या करूं मैं? डीज की आईएथ एंट्री पे क्या रखवाऊं? सवाल ये है, असल में ना हमने वैल्यू रखवानी है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है? वी डोंट वांट नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में, मुझे एक नेगेटिव में 5 है और एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में 2 है, तो 2 वाला हमारे करीब है ना? और अगर एक नेगेटिव में 1 है और एक पॉजिटिव में 5 है, तो मैं नेगेटिव 1 वाला लूंगा। तो एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट डिस्टेंस, ठीक है ना? सबसे करीब करीब की बात हो रही है। तो एक्चुअली हम करेंगे क्या कि हम ए की आईएथ वैल्यू कंप्यूट करते हैं, इसमें से टी करते हैं, और इसका हम एबीएस ले लेते हैं, ठीक है? एबीएस बाय द वे मैथ डॉट एच में डिफाइन होता है, देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। कर सकते हैं ऑफकोर्स, अगर नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई -1 करता है, ठीक है? बट अलग बना लो, एक अलग एबीएस का फंक्शन बना लो बेशक, ठीक है? जो कि बस जो भी वैल्यू नेगेटिव आती है उसको पॉजिटिव कर, ठीक है? ठीक है, ये हमने डिफरेंसेस कंप्यूट कर लिए, अब हम क्या करें जी? आप क्या करना चाहिए हमें? डिफरेंसेस हमने कंप्यूट कर लिए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? अब बेसिकली यस यू राइट, किसने बोला है? हाँ शाबाश, अब हम क्या करेंगे?
नरमीन बताएं, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है इसके अंदर वो हम कंप्यूट कर लें, ठीक है। बाय द वे मैंने क्या बात की थी, जो डिफरेंसेस मैंने कंप्यूट किए थे उसमें 5 का डिस्टेंस हमने क्या निकाला था, सॉरी 6 का डिस्टेंस क्या निकाला था, 5 निकला था। अरे हमारे पास सैंपल एग्जांपल में जो अरे थी वो कैसी थी, लेट्स से ये हमारे पास एक सैंपल एग्जांपल है, ये हमारे पास एक सैंपल एग्जांपल है इंटीजर अरे, क्या हो रहा है, इंटीजर अरे इज इक्वल टू, यहां पे हम अरे बना लेते हैं, कौन सी थी, 1 थी, 5 थी, 10 थी, 20 थी, 30 थी और 40 थी, ठीक है। और लेट्स से साइज की वैल्यू कितनी है हमारी, इसमें कितनी वैल्यू है, 6 वैल्यू, ठीक है। तो यहां आ गए जी, अब हम क्या करें, ये हमने कंप्यूट तो कर लिया है, अब हम क्या करें यार, ये तुम्हारा ये पैड नहीं चलता, हाँ इसके एक मिनट, अच्छा ये नहीं चलता, अच्छा ये प्रेस नहीं होता, चल शाबाश ठीक, पता लग गया मुझे, ये हो गया जी। अब क्या करें, मैंने डिफरेंसेस कंप्यूट कर लिए, अब बेसिकली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हमने इन डिफरेंसेस में से जो मिनिमम वैल्यू है वो कंप्यूट कर दी है और वो रिटर्न कर देनी, उसका जो इंडेक्स बनता है वो रिटर्न करना, और बाद में अगर मैंने वैल्यू रिटर्न करनी हो तो वही इंडेक्स पे पड़ा हुई ए पे वैल्यू जो होगी उसका नियरेस्ट नेबर होगा। ये सब कुछ समझ आई, पर क्या बात की है, ठीक है। सो बेसिकली मुझे एक्चुअली अगर कंप्यूट करना है तो मुझे क्या करना है, इंटीजर, अगेन आई होप कि ये अब आपको खुद करना चाहिए कि मुझे इस डिफरेंसेस की अरे में से जो मिनिमम वैल्यू है वो वाला इंडेक्स रिटर्न करना है, और जो मिनिमम जो नियरेस्ट नेबर होगा वो कहां पड़ेगा, उस इंडेक्स पे पड़ा होगा, यानी ए की वो जो मिन आई इंडेक्स है उस पे क्या पड़ा होगा, वो टी का क्लोजेस्ट एलिमेंट पड़ा होगा। ये बात समझ आई, तो ये जो एल्गो हमने बनाया ना, आई डोंट लाइक, व्हाई आई डोंट लाइक दिस एल्गो, बिकॉज इसमें वो हम एक एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर रहे हैं, हम एक डिफरेंसेस की एक अलग अरे बना रहे हैं, लेकिन दिस इज अ वेरी लीगल स्ट्रेटजी एक्चुअली। अगर हम अगले प्रॉब्लम पर जाएंगे तो शायद इसके अलावा हमारे ऑप्शन ही ना हो, ठीक है। लेकिन एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस आइडिया, अब हमने बेसिकली क्या करना है, इस डीज की अरे में से जो मिनिमम होगा वो कंप्यूट कर, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ओके। बट किसी को समझ में नहीं आया तो बता दो, मैं दोबारा बताता हूं, क्या डिफरेंस इन इंडेक्स। तो बेटा एक बात सुने, मेरे पास लेट से ये वाली अरे थी और मैंने कहा ये जो टी वैल्यू मैं भेज रहा हूं वो लेट से मैंने भेज दी 4, एक मिनट खबर सुझाए प्लीज। तो मैंने डीज की अरे मेरी ये कंप्यूट हुई होगी, तो डीज की अरे मेरी क्या कंप्यूट हुई होगी बताएं मुझे। बेसिकली डीज की अरे जब मैं कंप्यूट करूंगा ये लूप मेरा खत्म होगा, तो डीज की अरे में ये पड़ा होगा, क्या पड़ा होगा बताएं मुझे, टी में 4 है ना, तो यहां पड़ा होगा 3, फिर पड़ा होगा, फिर पड़ा होगा 1, फिर क्या पड़ा होगा 6, फिर 16, फिर पड़ा होगा 26, फिर पड़ा होगा 36। ये बात समझ आती है, अब मुझे बताएं सब इनमें की डिफरेंसेस क्या है, कौन सी वैल्यू से मिनिमम 1, और 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 5 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है 4 का नियरेस्ट कौन है, 4 का नियरेस्ट 5 है। डज इट मेक सेंस, कि हमने इस डीज की अरे में से जो मिनिमम वैल्यू है उसका इंडेक्स पकड़ना है जो कि 1 है, और वो इंडेक्स रिटर्न करता है, और उस इंडेक्स पे ए में जो वैल्यू पड़ी होगी वो मेरा नियरेस्ट नेबर होगा। डज इट मेक सेंस, आई होप, नहीं समझ आई यार, तू ऐसे, हाँ ऐसे करते हैं, हाँ ऐसे नहीं करते, ठीक है ठीक है, इसे मैं समझाएगा। But I don't like this one. Can anybody tell me a different way जिसमें हमें अरे ना बनाने पड़े? जी तो ये बताएं। So basically वो ये कह रहा है
ये जो हमने डिफरेंस अरे बनाए ना, हमें अरे बनाने की जरूरत नहीं, हम एक सिंपल एक वेरिएबल में कर सकते हैं और जो मिनिमम और मिन पैरा इंडेक्स कंप्यूट करके उसको मिनिमम कर देते हैं और उसका इंडेक्स भी सेव कर लेते हैं जीरो, और अगले हार्ड लूप के लिए करेंगे उसका रिटर्न कंप्यूट करेंगे और कंप्यूटर के उसको टेस्ट कर लेंगे चेक कर लेंगे। ये बात समझे? आपने दोनों तरीकों से करना और दोनों तरीके आपको आने चाहिए, अरे बना के भी आना चाहिए ताकि आप दोनों को जरूरत थोड़ी ना पड़े। बेटा समझ में आया तरीका? मैं समझ आया बेटा? आप समझ आया? नाम क्या? नाम आपको आगे ओके दोनों आइडिया समझ में आ गए आई होप सो। ठीक है चले अब हम आगे चलते हैं, अब इसका अगला सवाल देखते हैं एंड दैट्स ए मोर ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। इसको अगर आप देखें तो प्रॉब्लम क्या है? पहला सवाल पढ़े जो होता है सवाल पढ़े आपने सवाल जी मुझे भी बताएं सवाल क्या है? कि इसको एक पैरामीटर सर नहीं हूं मैं बेटा मुझे शाबाश आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बस मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे सवाल ये करूं इस फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या होगी, नाम क्या होना चाहिए? ये है जी के नियरेस्ट नेबर। ठीक है के नियरेस्ट नेबर, इसमें क्या क्या पास होना चाहिए? अरे साइज इंटी शाबाश इंट के बस अरे श्योर क्या बस के वैल्यू रिटर्न करनी है बड़ी जरूरी बात। इसने कहा है कि मुझे k nearest neighbor बताओ, यानी इस वैल्यू के k nearest neighbor बताओ। इमेजिन करें कि फेसबुक ने आपको एक एप्लीकेशन बनाने का है कि हर नंबर जो होता है ना वो बेसिकली और उसे है कि आपने हर एक बंदे को एक नंबर असाइन किया एक यूनिक नंबर, और यूनिक नंबर ऐसे नहीं असाइन किया, वो नंबर ऐसे असाइन किया उसको कि वो जिस तरह की उसकी लाइकिंग होती है वो उसके हिसाब से उनको करते हुए एक नंबर बनाया है। आप कहा ये गया है कि ऐसा कहें इसके जो करीब करीब छह लोग हैं उनके बारे में बता देता हूं, यानी कि कौन कौन से लोग हैं जो इसी तरह की हरकतें करते हैं। ये बात सुना है बेसिकली कहा यह गया है इस पूरे डेटा में से कौन से के एलिमेंट से उसके करीब के नियरेस्ट नेबर्स, इसका नाम है के नियरेस्ट नेबर्स। एक्चुअली यहां पर एस होना चाहिए, अगर आप पढ़े तो उसमें बकायदा लिखा हुआ है के नियरेस्ट नेबर्स एस लिखा हुआ है। ठीक है उसने के नियरेस्ट नेबर्स ढूंढने हैं। ओके एंड दैट्स वेयर इट इज चैलेंजिंग। ओके सब कुछ आवाज समझ में आ गया? ठीक है सो फॉर एग्जांपल अगर हम उसी एग्जांपल में जाएं और मैं कहता हूं टी की वैल्यू 4 है, ठीक है, और मैं कहता हूं मुझे तीन नियरेस्ट नेबर बताओ या दो नियरेस्ट, तो आया क्या 1 और 5। और अगर मैं कहता हूं मुझे थ्री नियरेस्ट नेबर बताओ तो आया 1, 5 और 10। डज इट मेक सेंस? ठीक है अगर मैं कहूं कि यहां पर टी की वैल्यू 25 है तो मुझे दो नियरेस्ट नेबर चाहिए, तो क्या है 20 और 30। डज इट मेक सेंस? सब कुछ समझ में आ रही बात? अच्छा अब हमने क्या करना है? हमने ये करना है बेसिकली जो हम इसको के अब देखिए मैंने इसमें अरे भेजी है, साइज भेजा है, टी भेजा है, के भेजा है कि कितनी वैल्यूज, ये क्यों भेजा है, ये एंस की अरे क्यों भेजी है मैंने? माइंड पे
ये n की वैल्यू मिल जाएगी हम आज आप इसके अंदर में आता है क्यों ये पेशू एक और अरे हमने क्यों भेजे क्योंकि इस फंक्शन में असल में क्या रिटर्न करना है अभी जगह से 25 जब मैंने कहा था बाद में आपने यहां से बताया था कितने थे हाँ उसने वो के नियर जैसे के की वैल्यू 2 थी ना अगर हमोश k की वैल्यू अगर हम 2 देखें तो 2 के लिहाज से अगर मैं 25 वैल्यू देता हूं और k की वैल्यू लेट से 2 है k की वैल्यू लेट से 2 है तो 25 का के k नियरेस्ट कौन से बनते हैं ये दो वैल्यूज बनती हैं ये वैल्यू से डिटरमिन नहीं करनी उसे क्या डिटरमिन करना है उस पे डिपेंड करता है 4 3 और 4 मेक सेंस है ना ये 3 और 4 कहां रख के भेजे उस अरे ये वीर एंड्स की अरे हमने इसलिए भेजी ठीक है अच्छा अरे पिछली क्लास में एक सवाल हुआ था और वो सवाल ये हुआ था हाँ अरे हम रिटर्न नहीं करवा सकते नहीं करवा सकते हमें हमेशा क्या बना के हमें बाहर से अरे बना कर भेजनी पड़ती है जिसके अंदर वो आंसर रखवा सकता है तो बात समझ आई मजबूरी है ठीक चाहे किसी अगर तो एक बात सुन ले गौर से अभी तक जो हमने तरीके पढ़े हैं वो क्या पढ़े पहला तरीका पढ़ा है कि अगर हमने एक फंक्शन से एक से ज्यादा वैल्यू निकालनी हो करवानी हो तो एक तरीका यह है कि हम रेफरेंस और उसके अंदर लोग भिजवा दें ठीक है दूसरा तरीका यह है कि आप एक अरे भेज दें ठीक है और वो उन उस अरे के अंदर वैल्यूज रखवा के वापस भिजवा दें अरे इज ए मोर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर क्यों क्योंकि आप हजार वैल्यूज रिटर्न करवानी हो तो आप हजार वेरिएबल नहीं भेज आप एक अरे भेजेंगे हजार से बना के वो भेज देंगे और वो सेंडर स्टोर करके आ सकते हैं डज इट मेक सेंस ठीक है जी अगर हम इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं मतलब अरे में नहीं कर रहे हैं जो सेकंड हमारा अपडेट था तो हम काउंट लगा ले और उसी दफा वो इंडेक्स भेजते रहे तो फिर अरे को जरूरत नहीं होगी दोबारा तो सुन ले क्या कह रही है और ये क्यों गलत कह रही है ठीक है जी अगर इंटीजर वाला यूज कर रहे हैं फर्स्ट वाले के लिए और अगर हमने दो फॉर एग्जांपल उसके नियरेस्ट नेबर्स भेजने हैं तो हम काउंट यूज करके दो दफा उसके इंडेक्सेस भेज तो आप आउटपुट कर देंगे यस उसने आउटपुट करने को कहा ही उसने तो कहा है कि मुझे के नियरेस्ट ला दो मुझे कुछ करना है तो आप तो कंसोल पर आउटपुट कर देंगे तो वो तो अच्छी बात नहीं है वो तो भाई एक्स्ट्रा गया कंसोल पर आउटपुट दे यानी आप फेसबुक ने कहा है कि मुझे के नियरेस्ट नेबर दो उसकी उसको मैंने इस तरह के एडवर्टाइजमेंट कर दिया और तुम तो कंसोल पर आउटपुट कराओगे ना ठीक है तो बहुत सारे काम कर सकते हैं आपके रिवाज में बहुत एक्चुअली मैं आपको मजे की बात हूं आप ज्यादातर काम जो जिंदगी में करेंगे उसमें कंसोल पर आउटपुट मिनिमम टाइम होगा अल्दो कि मेरे कंसोल पर आउटपुट आपको एक अच्छा फीलिंग देती है मैंने ये काम ये वाला फंक्शन सही चल रहा है और वही तरीका शायद क्या करें लेकिन जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो आप कंसोल पर आउटपुट नहीं कर रहे अब मैथ की जो पूरी पूरी लाइब्रेरी है साइन निकालो कॉस निकालो अगर वो कंसोल पर आउटपुट करना शुरू कर दे तो आप भी तो तबाही कर देंगे तो आप मैथ लाइब्रेरी यूज नहीं कर सकते तो आप अभी आई मशीन पर जा रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं सारे के सारे हमने डिफरेंट तरह के कर्व्स बनाने हैं बड़े मजे मजे चीजें हम करेंगे ठीक है हम साइन मेज बना रहे होंगे और बहुत चिंतित एक एक लूप पे कोड रहे हैं और वो कैसे कर्व्स कैसे प्रिंट करते हैं फोन को यू विल सी कि वो कितनी मजेदार चीज बन जाती है लेकिन अगर आप कंसोल पर आउटपुट कर रहे हैं तो कुछ भी ना चले जी आगे चलते हैं ये कोड कैसे करें सवाल ये कोड कैसे करें बाद में इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी जाओगे वर्ड होगी ठीक है क्योंकि जो भी हमने राइट करना था वो उसके अंदर ही करना था वो करके बहुत अच्छा ठीक है ऑल राइट जी तो ये कोड करते हैं जी कोई तरकीब बताए हमने जो पिछली टेक्निक यूज की थी ना नियरेस्ट नेबर निकालने के लिए क्या उसी तरह की यूज कर सकते हैं हम पहले आप पहले टेक्निक यूज करें जी क्या कह रहे हैं नहीं नहीं आराम से सोचें गी आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू थिंक अबाउट एक्चुअली 1 मिनट यू मे डिस्कस Thank you.
हाँ जी सुने आप कुछ कहते हैं दोबारा बताना पीछे वाले को रेफर नहीं करना। हाँ जी पीछे वाले रेफर नहीं करना बताओ क्या करें। तो सबसे पहले तो वही करेगा कि सारे के सारे जो हमारे इंडेक्सेस हैं उनको कंप्यूट कर ले डिफरेंसेस। शाबाश। तो पहला काम ये करते हैं वही एक अरे बनाते हैं डिफरेंसेस की। ठीक है इसका नाम रख देते हैं कैपेसिटी। यार ऐसे ना कर यार राजन प्लार यार ये बाद में लगा लेना यार। यहाँ पे हमने कर दिया कैपेसिटी वो ये हिल रहा ना यार ये मसला होता है। कैपेसिटी की हमने अरे बना ली। ठीक है सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम ऐसा करते हैं इसको कंप्यूट करते हैं। ठीक है ये बिल्कुल वही काम है इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन क्या करें साइज की अरे बनाई आई प्लस प्लस। जी आप बताएं क्या करें जी बताएं जी क्या करें जी डीज की आई इज इक्वल टू क्या करें बेटा ए आई माइनस टी और इसका ले लेते एब्सोल्यूट और यहां गए यहां पे हमने एब्सोल्यूट सेव कर। ये बात समझ आ गई अब करें। हां जी किसी ने शॉर्ट बोला है कुछ शॉर्ट कर दो मैंने जो डिफरेंसेस कंप्यूट किए हम डिफरेंसेस कंप्यूट करते हैं और डिफरेंसेस को सॉर्ट कर देते हैं। सो सुने बात गौर से मैं अगर इसको सॉर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा अगर मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा ये देखें अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या हो जाएगा जी बताएं ये क्या अरे हो जाएगी ये हो जाएगी 1 3 है क्या होगा आवाज आ रही है 1 3 फिर 6 16 ये बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा ना 16 26 और ये 36 है ना। इस अरे का टी से मैंने डिफरेंस लिया ये कंप्यूट हुआ है ना। बाय द वे ये सुने बात बहुत सुनी सुने बात अगर मैं ये कम कर दूं
ये वन जो है ये क्या है? अगर मैं ये टर्म कर रहा हूँ जीरो इंडेक्स, जीरो इंडेक्स क्या है? जीरो इंडेक्स को तो वन पड़ा हुआ है, फर्क है। असल में जो फोर का नियरेस्ट नेबर है, सबसे क्लोजेस्ट नेबर है वो कौन बनता है? वो फाइव बन रहा है। ये तो वन रिटर्न कर रहा है, जो जीरो से इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। अगर मैं सॉर्ट करूं सॉर्ट के बाद, ये मसला ये है कि हम अगर डिफरेंसेस की अरे को सॉर्ट करें तो सॉर्ट करने के बाद हो सकता है जो सब जो सॉर्ट, अब देखो ना, लेट्स से मैंने टी की जो वैल्यू दी वो कहीं इस जगह पे सबसे क्लोज थी, है ना? अगर मैं सॉर्ट करूंगा तो ये वैल्यू शुरू में आ जाएगी। अब असल में जो मैंने रिटर्न करना है वो तो मैंने इस वैल्यू को इंडेक्स रिटर्न करना है। समझ में आ रही मसला क्या है? यानी कि असल में इशू ये है कि मैंने जब डिफरेंसेस कंप्यूट किए हैं तो जो डिफरेंसेस हैं, अगर मैं डिफरेंसेस को सॉर्ट करूं तो मेरा तो तबाही फिर जाती है, क्योंकि मैंने असल में जो रिटर्न करने हैं वो ओरिजिनल अरे के इंडेक्स रिटर्न करने। अगर आप डिफरेंसेस को सॉर्ट करते हैं तो डिफरेंसेस को सॉर्ट करने से आप ओरिजिनल अरे से तो आपका कनेक्शन खत्म हो गया। ये बात सुना है? यानी कि अगर आप कहें ना कि डिफरेंसेस को अरे को मैंने सॉर्ट कर दिया तो अब मैं कह रहा हूं इसका जीरो इंडेक्स उसका क्या है, हमें क्या पता क्या है? ये समझ में आ रही है मैंने क्या बात की है? माइंड तुम्हें समझ में नहीं आई ना? आपको समझ में आई बात? प्रॉमिस मैंने के नियरेस्ट नेबर निकालने है ना जी, तो के नियरेस्ट नेबर निकालने के लिए मैंने ये डीज कंप्यूट किए है ना, और हमने कहा है कि अगर मैं डीज को सॉर्ट कर दूं देन वी आर इन ट्रबल। व्हाई वी आर इन ट्रबल? क्योंकि वो सॉर्ट करते हैं तो इंडेक्स का चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? इंडेक्स की जो वैल्यू है, मतलब सॉर्ट कर देंगे तो इंडेक्स पे वैल्यू चेंज नहीं। मुझे ना बताओ, पूरी क्लास बताना, प्लीज लिसन टू। मेरे पास ये अरे मिली हुई है, ऊपर देखो ये अरे मिली हुई है, ये टी मिला हुआ है और ये के मिला हुआ है, ठीक है? मैंने डिफरेंसेस की अरे कंप्यूट की, ठीक है? अब डिफरेंसेस की अरे को जब मैं सॉर्ट करने लगा हूं, ठीक है, तो डिफरेंसेस की अरे सॉर्ट करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने लगा हूं तो सबसे जीरो इंडेक्स पे क्या आएगा? जीरो इंडेक्स पे वो वैल्यू आएगी जिसका जीरो इंडेक्स पे डी के कौन सी वैल्यू होगी? जो सबसे मिनिमम डिफरेंस की वैल्यू है वो आएगी, है ना? लेकिन ये डिफरेंस की वैल्यू किस अरे की वैल्यू से आई है वो पोजीशन लॉस्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आई? ठीक है, ओके, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें तो डिफरेंसेस की वैल्यू तो चाहिए ही नहीं, हमें तो असल में क्या चाहिए? हमें तो इंडेक्सेस चाहिए। यानी आप अगर से ये कहा होता ना कि मुझे नियरेस्ट डिफरेंसेस बता दो तो हम इसी डीज को सॉर्ट करते और इसकी टॉप के वैल्यू उठा लेते और हमारा आंसर आ जाता, लेकिन हमें तो वो डिफरेंसेस चाहिए ही नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए इंडेसेस। मेरी बात सुने गौर से, मैं तो अभी आपको चीजें सिखा रहा हूं, ये असल में स्ट्रेटजीज है, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आई कैन मेक लाइक एटलीस्ट थाउजेंड ऑफ विद दीज स्ट्रेटजीज। ओके, तो अगर आपको स्ट्रैटेजी को समझना सीखे ना कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझे। अभी जो हमें स्ट्रैटेजी समझ रहे वो लेके एक अलग अरे बना के उसकी हेल्प से हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके,
ये सब है, ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है आपका, आपको बेसिकली एक पावर दे दी गई है, ठीक है। आपको बेसिकली मैं नट्स एंड नट्स बोल्ट हथौड़ी हैमर और ये सारा दे दी, मैं औजार दे रहा हूँ आपको, ये जो है मैं स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इससे आप बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओके। एक्चुअली अगर आप देखें तो मैं एक काम और भी करूंगा, वो ये कि जिस तरह से मैंने डिफरेंसेस की अरे बनाई है, एक और अरे बनाते हैं जिसका हम आईज का नाम देते हैं। इसका भी साइज होता है कैपेसिटी, और हम एक और काम करते हैं, और साथ ही इसकी आईज की आईएथ इंडेक्स पे जाके आई रखते हैं। ये देखिए, मैंने असल में एक अरे नहीं कंप्यूटर में दो अरे, एक में डिफरेंसेस पड़े होते हैं और एक में सिर्फ इंडेक्स पड़ा होता है। और अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं सॉर्ट करूंगा डिफरेंसेस की बेस पे, लेकिन मैं ना सिर्फ ये कि डिफरेंसेस को स्वैप करूंगा, बल्कि साथ इंडेक्स को भी स्वैप करूंगा। अब जब डिफरेंसेस की अरे सॉर्ट हो जाएगी तो मेरी आईज की अरे में जीरो इंडेक्स पे कौन सा इंडेक्स पड़ा जिसका डिफरेंस टी से सबसे मिनिमम निकला, ये बात समझ? ओके, और फिर क्या करेंगे जब सॉर्टिंग हो गई है तो आईज में मेरे पास इंडेसेस पड़े हुए हैं, तो कितने मुझे उठाने चाहिए और एंड्स में रखवा देने चाहिए, तो टॉप के एलिमेंट आईज में उठाने चाहिए और वो जाए किस पर रखवा देने चाहिए, एंड्स में रखवा देने चाहिए। ये बात समझ? आई होप यू आई हैव मेड सेंस। मैं तो बात ये समझ में आ गई बात, ये समझ में आ गई बात कि मैंने डिफरेंसेस कंप्यूट कर लिया और साथ ही मैंने आईज भी सेव कर लिया, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, मैं यहां पे एक फॉर लूप लगाता हूं, इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, बाकी नहीं टी इज इक्वल टू वन, टी इज लेस देन और इक्वल टू साइज कर लेते हैं टी प्लस प्लस, यहां जाते हैं फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, यहां क्या होना चाहिए आई डोंट नो, आई प्लस प्लस, और हमने इसमें क्या किया हुआ था जी, हमने सॉर्ट करना है डिफरेंसेस को, तो इफ, हाँ जी बताएं, इफ डीज की आईथ वैल्यू इज ग्रेटर देन डीज की आई प्लस वन की वैल्यू से, तो इस केस में हम क्या करेंगे जी, अब देखें गौर से, स्वैप हम एक वैल्यू नहीं करेंगे, स्वैप हम दो वैल्यूज करेंगे, यानी कि यहां पे आएगा स्वैप डीज की आईथ वैल्यू और डीज की आई प्लस वन वैल्यू, और बिल्कुल इसी तरह यहां पे एक और स्वैप आएगा और उसमें क्या आएगा आईज की आईथ वैल्यू और आईज की आई प्लस वन वैल्यू, ठीक है जी। अब आप शॉर्टिंग कर चुके हुए, ठीक है, शॉर्टिंग करने के बाद हमें क्या करना, अब मुझे बेसिकली के का लूप लगाना है, ओके, और ये देखिए जी फॉर लूप इंटीजर इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन के, आई प्लस प्लस, और बेसिकली मुझे अब क्या करना है, मुझे एंस की आईथ इंडेक्स पे क्या रखवा देना, आईज की आईथ वैल्यू, ओके। ये पहली दफा चलेगा तो सबसे क्लोजेस्ट एलिमेंट आके एग्जाम पर रखवाएगा, सेकंड दफा चलेगा तो सेकंड क्लोजेस्ट एलिमेंट आके रखवाएगा, अगर मैंने वैल्यूज निकालनी होती तो मैं क्या चेंज करता, नहीं यहां पे ए आ जाएगा, क्या अरे के अंदर अरे हो रही है, नहीं 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 नहीं, इस अरे का इस इंडेक्स पे पड़ा हुआ इस यानी इस इंडेक्स पे पड़ी हुई जो इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू को एज इंडेक्स यूज करो और वो वाली वैल्यू उठा के, तो अगर मैंने के नियरेस्ट नेबर के इंडेक्स चाहिए तो मुझे ये लगाने की जरूरत है, ओके। अगर मैंने कहा कि मुझे के नियरेस्ट वैल्यूज चाहिए तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर ए प्लस, मेक सेंस? I hope everybody agrees to this. ठीक है?
ठीक है। अच्छा आई विल हाईली रिकमेंड कि ना मिड टर्म भी आ रहा है और फ्राइडे को मोस्ट प्रोबली हम एक नेटिव क्लास लेंगे ये आपस में मोस्ट प्रोबली ऑडिटोरियम में उसमें आप लोगों को 3 or 4 आवर में मिलूंगा उसमें आपको बेसिकली मेकअप क्लास की होगी एक्चुअली प्रैक्टिस है आप लोग प्रैक्टिस ना पहले कर लीजिएगा ताकि आपको ठीक है लेकिन उससे पहले तक आप कल रात तक आपकी असाइनमेंट ड्यू है या आपने खत्म कर दी ठीक है सर उससे आज से गो थ्रू करता हूँ ठीक है आपका आज 7 बजे सेशन भी है इसी के ऊपर ठीक है चले जीत राजन क्विज आपका पास ही अभी ठीक है उसके ऊपर रोल नंबर नेम लिख दे आपका क्विज का पार्ट 2 शुरू हो रहा है पहला सवाल क्या है सवाल क्या है ये सवाल क्या है सवाल बड़ी सवाल क्या है पार्ट ए जो है ये काइंडली सवाल पढ़े मेरे सवाल बताएं कहां का सवाल क्या है क्या आप बताएं सवाल हां जी सवाल सवाल के जवाब जी पहले बनाया कि फंक्शन बनाना है उसे क्या हुआ अमाउंट ऑफ फंक्शन में बेटा क्या पैरामीटर पास होगा फंक्शन में एक अरे पास होगी उसका साइज पास होगा और एक एलिमेंट पास होगा फिर टी कर देते ठीक है ठीक है तो आपने बेसिकली क्या करना है आपने ये फंक्शन बनाना है आपने क्या बनाना है इसका नाम क्या होना चाहिए इसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी नाम रख देते हैं इसको एक इंटीजर अरे पास होगी इसका साइज पास होगा और क्या होगा और एक एलिमेंट टी पास होगा और इसने करना क्या है ये अरे पास हो गया और एक एलिमेंट पास हो रहा है 4 तो ये 4 इस डेटा में कितनी दफा है 3 दफा है तो आई फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज तो इस फंक्शन में क्या रिटर्न करना है काउंट रिटर्न करना है बेसिकली है ना तो ये इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए इंटीजर होनी चाहिए काइंडली ये आप अपना क्विज लिखें आपके पास ना टोटल 1 मिनट है काउंट 1 मिनट अब मैंने कुछ दे दिया ठीक है रोल नंबर नहीं लेते 30 सेकेंड्स पास कर दे जी स्टॉप राइटिंग पास कर दे जी पास कर दो भाई शाबाश साइलेंस प्लीज साइलेंस तो बेसिकली हमने क्या करना है इंटीजर काउंट बनाना है इसकी वैल्यू 0 रखनी है फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस और बेसिकली हमने क्या करना है
if a I double equal to t count plus plus, और यहां पे क्या आ जाएगा, रिटर्न काउंट। ठीक है, इस टी की डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ना एक सवाल पढ़े, ये सवाल और इसकी आउटपुट भी देख लेंगे। ये छह लाइनें हैं इसकी आउटपुट। ठीक है, ये छह लाइनें इसकी आउटपुट है। बताया सवाल क्या है? लेसन तुम नाम चेंज करा दो। चलो जी बताएं, तुम्हारा क्या सवाल क्या है? ये आपको डेटा मिलेगा मैं साहब नहीं तुम करीब पहुंचे लेकिन अभी पूरी तरह नहीं पहुंचे। हाँ जी बताए मसला क्या है? ये देखो, अगर आप देखें ना फोर की फ्रीक्वेंसी बताएं तो वो बताएगा तीन। ठीक है, तीन की फ्रीक्वेंसी दो है, नाइन की फ्रीक्वेंसी दो है, ऑर्डर गलत कर दिया जी। उसके बाद क्या है? उसके बाद वन, वन की फ्रीक्वेंसी वन ही है, फाइव की फ्रीक्वेंसी सॉरी फिफ्टी वन की फ्रीक्वेंसी भी वन ही है। अब फोर दोबारा नहीं, जी आप समझ में आ गया मसला? मैं इस तरह ट्रैवर्सल नहीं करता है ना, अगर मैं यूं ट्रैवर्सल करते जाऊंगा मसला क्या होगा? तो वही नंबर दोबारा आ जाएगा, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। यानी कि असल में एक बड़ी जरूरी बात हो रही है। वो क्या जरूरी बात है? असल में अगर आप देखें तो मुझे इस अरे में से यूनिक नहीं कहते, उसको डिस्टिंक्ट एलिमेंट कहते हैं। ओके, यूनिक एक अलग वर्ड होता है, वो आगे आएगा। यूनिक होता है, यूनिक क्या होता है? मतलब यूनिक का मतलब क्या होता है? अरे उस तरह को दोबारा की दोबारा करते हैं। ठीक है, आप अपने महबूब को यूनिक कहते हैं। ठीक है, हाँ अगर अगर वो एक है तो अच्छा। ओके लिसन यू प्लीज, तो हमने पहले इसका मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकाला। डजंट मेक सेंस? हमने अपनी अरे में से डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकाला, सही है? सो आइडिया शुड बी द फॉलोइंग, क्या आपको क्या करना चाहिए? एक अरे, उस अरे में से पहले हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स निकालने चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? फिर हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकालनी चाहिए और उसे डिस्प्ले करना चाहिए। ये बात नहीं, अब इट मेक सेंस। उसका मतलब है कि पहले मैंने डिस्टिंक्ट सारे निकालने और ऑफ कोर्स डिस्टिंक्ट कितने हैं ये भी फिगर आउट करने, ताकि उसका उसको फिर मैं अगला जो लूप लगा रहा हूं वो मैं उसके साइज का लगा रहा हूं। ये सबको समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भी मैंने फंक्शन बनाना है, ये जो भी मैंने फंक्शन बनाना है, इसका नाम है वॉइड प्रिंट, लुक एट दिस, प्रिंट ऑल डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा इसको क्या पास हो रहा है? इसको सिर्फ अरे पास हो रही है और इसको साइज पास हो रहा है। ठीक है, अच्छा लेकिन इसमें अगर आप देखें तो पहला स्टेप क्या है? इसका अगर मैं लिखूं तो मेरा पहला स्टेप ये फाइंड ऑल डिस्टिंक्ट, जिसका मतलब क्या है? इसने असल में दो अरेज कंप्यूट, एक ये डीज की अरे चाहिए उसको, यहां पर डीज डिस्टिंक्ट वैल्यू। पहले तो सारी डीज मुझे चाहिए, सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज मुझे चाहिए और फिर क्या चाहिए? और ऑफ कोर्स इसी के साथ का मुझे एक डी साइज भी चाहिए, कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आई हैं। ओके, पहला काम तो मेरा ये है कि सारे डिस्टिंक्ट निकालना और फिर मेरा काम ये होगा, सेकंड स्टेप मेरा ये होगा जी, डिस्प्लेइंग ऑल डिस्टिंक्ट्स फ्रीक्वेंसी।
इसका मतलब है कि मुझे हर डी आई के ऊपर जाना है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी किसमें आ रही है, कौन सी अरे में, ए वाली अरे में, वेरी गुड पॉइंट, कि मैं डी आई डीज आई को सर्च करूंगा लेकिन सर्च में करूंगा, सर्च ए में करूंगा, ओके। और ये आपको पहले लॉजिकली पता होना चाहिए, ओके, कि अच्छा ये मैं ओवरऑल करना चाह रहा हूं कि मैं एक डीज की अरे कंप्यूट करूंगा जिसके अंदर मैं सारे डिस्टिंक्ट कंप्यूट करना चाहता हूं। फिर अगला स्टेप मेरा ये होना चाहिए कि मैं इन डीज की एलिमेंट्स को मैं ढूंढूंगा कि मेरा इस ए वाली अरे के अंदर वो कितनी कितनी दफा है। ये बात समझ में आई? आई होप आई हैव मेड सेंस टू यू, ओके, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, ओके। शाबाश, तो पहला स्टेप करते हैं। और पहला स्टेप मैं एक्चुअली क्या करता हूं, एक फंक्शन बना के करता हूं और करूंगा क्या कि मैं यहां पे ना एक बेसिकली इंटीजर डीज की अरे बनाऊंगा, इसका कैपेसिटी की अरे बना लेता हूं और यहां पे एक डी साइज का वेरिएबल बना लेता हूं जिसको मैं किसी भी चीज से डिस्चार्ज नहीं करता, और यहां पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, ये देखिए गौर से, void, इसका नाम है कंप्यूट ऑल डिस्टिंक्ट्स, ओके। इसको इंटीजर अरे पास होती है, इंटीजर साइज पास होता है और इसको डी डीज की अरे पास होती है और इंटीजर एम परसेंटली डी साइज पास होता है। माहिन मैंने मेरी बात गौर से बेटा, ये देखें ये मेरी अरे है ना, लेट्स से अगर उसकी ये अरे है, कंट्रोल सी, अगर ए में, सो लुक एट दिस, सो हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि अगर ए अरे मेरी ये है, या प्लीज समझ ले, अगर ए अरे मेरी ये है तो इसने करना कुछ ये है कि डीज अरे में क्या भेज, डीज अरे में क्या लिखवा के भिजवाना है, तो जरा नहीं पूछा ये बेटा, आप बता दो, साथ बैठे माही, शाबाश, 4391 51 7, बस यही करना। तो एक्चुअली ये इसने रिटर्न करवाना है, साथ एक और भी रिटर्न करवाना है जी, क्या रिटर्न करवाना है जी, डी साइज की वैल्यू भी रिटर्न करवानी है, क्या जी, कितना होता बेटा, 6 होता, ठीक है। तो ये बेसिकली इसने ये रिटर्न, अब समझ में आया कि डी साइज को मैंने बाहर वापस को भेजा, इसके अंदर ये वैल्यू लिखवा के भेजवा, इस डीज की अरे को अरे से बाहर रखना पास नहीं होती, वो तो बाहर, वो तो उसका बस बेस एड्रेस ही पास करना, उसके लिए आज से बाहर रखना चाहिए, और डी साइज हमें बाहर रेफरेंस से भिजवाना है ताकि उसमें हमारे खिलाड़ी भिजवाए, ठीक है, सो फार सो गुड, सही है। चलें जी आगे चलते हैं जी। अब सवाल ये है कि मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यूज कंप्यूट करना है ना, एसेंशियली मुझे करना क्या है, करना यह है कि मैंने अरे के हर एलिमेंट में जाना चेक करना, मैं वैल्यू रखवाता जाऊंगा, पहली वैल्यू मैं वैसे ही शायद रखवा दूं, दूसरी वैल्यू रखवाने से पहले मैं चेक करूंगा कि क्या मैं उसको पहले डीज में रखवा तो नहीं चुका है ना, उसका मतलब है कि मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसके अंदर, डीज की है, तो पहले तो आपने इज प्रेजेंट बनाया था ना, अब मैं फ्रीक्वेंसी को यूज करता हूं, ओके। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं इंटीजर i इज इक्वल टू जीरो करूंगा, i इज लेस देन साइज करूंगा, i प्लस प्लस, ये मैं किस में ट्रेवर्सल कर रहा हूं जी, मुझे किस में ट्रेवर्सल करना है, नहीं मुझे a अरे के हर एलिमेंट को जाके देखना है कि क्या मैं उसको d में पैर पा दूंगा, तो मैंने लूप लगाया है a अरे का, ओके, क्योंकि d मतलब कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, तो मैं ए अरे के अंदर ट्रवर्स करूंगा और फिर जाके देखूंगा किसके अंदर, डी अरे। तो यहां मैं करूंगा एफ, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ जी, क्या होनी चाहिए, किसके अंदर मैंने फ्रीक्वेंसी देखनी है और किसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है, सवाल ये जी। और बाय द वे अगर फ्रीक्वेंसी क्या निकले तो उस केस में मुझे डीज की
साइज एंट्री पे जाके क्या रखवाना है। और एक बात और ध्यान में रख लें कि डी साइज की शुरू में वैल्यू में जीरो कर दूंगा। तो एक तो मुझे डी साइज एंट्री पे जाके रखवाना है और साथ डी साइज में इंक्रीमेंट कर देना। तो सवाल ये है मेरा, ये प्रिंसिपल्स हैं यहां पे, मुझे बताएं फ्रीक्वेंसी किसकी कंप्यूट करनी है। ए की आईएथ एलिमेंट की मुझे फ्रीक्वेंसी देखनी है और देखनी किसके अंदर, डी की अरे में देखनी है जो मैं रखवा रहा हूं। और सो बेसिकली मैं क्या करूंगा, ये देखें गौर से, यहां गया डीज की अरे में जिसका साइज डी साइज है जो फिलहाल शुरू में जीरो होगा और वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूं आई की, और मैं कह रहा हूं इसकी जगह फ्रीक्वेंसी निकाल के आओ। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये अब ये एलिमेंट अभी डी वाली अरे में मैंने नहीं इंसर्ट किया। तो दिस इज द फर्स्ट अकरेंस ऑफ दिस डिस्टिंक्ट एलिमेंट, दिस नीड्स टू बी रिटन ऑन डी साइज एंड इफ दैट विल बी इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा ए आई। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट दिस कि यहां पे डी साइज को शुरू में जीरो कर दीजिएगा, क्योंकि आपने जीरो नहीं किया जब ये पूरा प्रोग्राम अपना सवाल में जवाब दे। सवाल और सुनिएगा मेरा, ये मैंने फ्रीक्वेंसी का फंक्शन बनाया था, अब और देखिएगा फ्रीक्वेंसी का जो फंक्शन है उसके हिसाब से वो कॉम्प्लेक्स है ना। लेकिन अब और सुनिए, आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, मुझे बताएं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। Compute all distinct frequencies. Size square? Bala. D size into size. Why D size into size? क्यों? क्योंकि ये size तो चल रहा है, लेकिन जब मैं यहां frequency check करने के लिए जाता हूं तो यहां मैं check करने जाता हूं D array के अंदर, तो D array का जो maximum size उसका उससे बाउंड होगा। बस नहीं, तो बिग ओ निकालने के लिए आप हर वैल्यू को अज्यूम करें पहले ही डी साइज है, और बिग ओमेगा निकालने के लिए आप पहली हाफ एंट्रीज को इग्नोर कर दें और हाफ के बाद वाली एंट्रीज को देखें तो डी साइज बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डी साइज दैट इज इक्वल टू, तो एक्चुअली इसी कंप्लेक्सिटी कितनी है, जितनी मेरे डिस्टिंक्ट वैल्यूज है मल्टीप्लाई बाय इतना साइज। ओके, तो ये सी कंप्लेक्सिटी। अब मैंने पहला, इसका मतलब है मैंने ये पहला काम कर लिया, और कैसे करेंगे बेटा जी बताएं क्या करेंगे, कहें कंप्यूट ऑल डिस्टिंक्ट्स, तो क्या भेजेंगे, ए भेजेंगे, साइज भेजेंगे, डीज भेजेंगे और डी साइज भेजेंगे। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बेसिकली हर एक की फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले करनी है। तो मैं करूंगा फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, जी ये मैं किसमें ट्रांसफर कर रहा हूं, डी साइज। ठीक है, और यहां मुझे क्या करना है, यहां मुझे करना है सी आउट, जी या मैं सबसे पहले करूंगा जी डीज की आईएथ वैल्यू प्रिंट कर दो, जी हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है यहां हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। जी अब सवाल यह है कि इसके अंदर क्या भेजें, जी ये मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं, प्लीज मुझे बताएं, गाइड करें मुझे, एक मिनट तुम चुप हो जाओ। हां जी कोई और बताए, आप बताए ए आई ए में भेजना, मुझे किस में फ्रीक्वेंसी मुझे किस में निकालनी, ए में निकालनी है, तो यहां पे ए आएगा और ऑफ कोर्स ए का ही साइज आएगा। ओके, अब सवाल ये है ए डेटा के अंदर से मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, अब सवाल अगला क्या है, बोले किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो क्या आएगा,
क्या डीज की आयत है। तो इस वैल्यू की मुझे इस अरे में फ्रीक्वेंसी बताओ, और ये जो भी फ्रीक्वेंसी वो डिस्प्ले करवा। बस राइट। सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि हमें कैसे करना। अच्छा सवाल ये, मेरी बात और सुन, व्हाट इफ कि मैंने कंप्लीट ना करूं, मैंने ये कह रहा हूं कि ऐसा करें आप डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालें और साथ उनकी सिर्फ फ्रीक्वेंसी भी निकाल दें। सवाल समझा कि मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे तुम प्रिंट करो, बल्कि मैं ये चाह रहा हूं, सुने बात गौर से, मैं कह रहा हूं कि मुझे तुम्हें कोई फ्रीक्वेंसी ना बताओ, मुझे ना ऐसे एक्चुअली सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्रिंट, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कंप्यूट ऑल डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसीज पेयर्स। ओके, क्या मतलब? मैं मुझे बताओ कौन सा डिस्टिंक्ट वैल्यू है, और फिर बताओ ये हर एक इस डिस्टिंक्ट ये डिस्टिंक्ट कितनी दफा है, ये डिस्टिंक्ट कितनी दफा है, तो मुझे बताएं इसके अंदर क्या सिर्फ एक पैरामीटर पास हो, एक नहीं दो पैरामीटर पास हो, कौन से? एक्चुअली तीन पास हुए, बताएं जी कौन से। एक तो पास होगा डीज का। ओके जी नरवीन बताएं। एक मेरे पास होगा इंटीजर डी साइज, गलत, एम परसेंटली पास होगा, एक्सेलेंट। और एक मेरा और पास होगा, वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी की अरे पास होगी। क्यों पास होगी? क्योंकि मुझे इन्हीं के अंदर रखवा के भिजवाना है कि ये एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितनी दफा है, पहला डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना है। ओके अब अगले भिजवाते हैं, क्या चेंजेस कर लिए मुझे इसके अंदर, इस कोड के अंदर? कंप्यूट ऑल डिस्टिंक्ट तो करना ही करना है जी, ये बस सी आउट नहीं करना। सी आउट क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा एफ की आईएथ एंट्री पे जाके ये रखवा। हम क्या आ रहे हैं? अब इसी तरह एक और सवाल है, कस्टमर थ्री, वो बड़ा आसान सा है, वो बेसिकली करना क्या, सुने बात वो कहता है प्राइम एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी लगाएंगे कितने प्राइम है, वो एक अरे में रख देंगे, इसका सवाल डिस्ट्रिक्ट निकाले, इसका प्राइम निकाल लेंगे, बस साथ एक और ऐड कर देगा, एक तो वो डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए और वो प्राइम भी होना चाहिए। ओके तो बिल्कुल वही वाला कोड है, इस प्राइम बस एक चेक और, ठीक है ना, तो वो तब सेव होगा जब वो प्राइम भी है और वो डिस्टिंक्ट भी। ओके और फिर आप बाकी जो नीचे वाला कोड है वो जल्दी सेव, ठीक है। तो ये होगा बिल्कुल सही, बिल्कुल चेंज। अगला सवाल जो है उसको देखें, और ये बड़ा मजेदार सवाल है, आपने करना क्या है कि मॉड लो, बिल्कुल डेटा मतलब मॉड क्या होता है, आपने मॉड क्या होता है? नहीं आप मॉड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा दफा है ऐसा एलिमेंट जो सबसे ज्यादा दफा है वो मॉड होता है। बेटा मॉड जो मॉड ये होता है कि ऐसा एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। ओके तो जब मैंने दूसरा सवाल किया था याद रखते हैं, हमने डिफरेंसेस कंप्यूट किए थे और इंडिसेस कंप्यूट किया और उन दोनों को अनुसार कर आप कह रहे हैं इससे बड़ी काम करें, लेकिन किसकी बेस पे हमने स्वापे कर ली? फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी में कंप्यूट कर लिया और हमने डिस्टिंक्ट वैल्यू भी कंप्यूट कर ली। आप कह रहे हैं अब हम फ्रीक्वेंसी के काउंट की बेस पे दोनों को स्वाप करें। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। I hope I have made sense. Okay? समझ आ गई बात? ठीक है? By the way, यही तरह का काम हमें उसमें भी करना था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में भी आपका दो अरेस थी, मेल्स की अरेस थी, काउंट्स की अरेस, और आपने काउंट्स की बेस पे नामों को भी सॉर्ट, ठीक है? अगर उसने नहीं किया तो वो अभी दोबारा कर सकता, ठीक है? अच्छा जी, आई होप आई हैव मेड सेंस। अच्छा बाय द वे एक छोटी सी बात होती है,
वो ये कि मॉड क्या होता है, मॉड होता है ऐसा है तो किसी सॉर्ट करें फ्रीक्वेंसी की बेस पर सॉर्ट करें और जो सबसे ज्यादा दफा है वो किसी डेसिबल पर बाय द वे कौन से बेस पे सॉर्ट करेंगे सॉर्ट असेंडिंग सॉर्ट डिसेंडिंग अगर असेंडिंग करेंगे तो लास्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ वो आंसर हो और अगर डिसेंडिंग करेंगे तो जो जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ वो हमारा आंसर हो ओके लिसन जी प्लीज पास अच्छा व्हाट इज यूनिमॉडल डेटा यूनिमॉडल डेटा वो होता है जिसके अंदर एक ही मॉड होता है ओके इसके अंदर यानी सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट एक ही होता है बाय मॉडल क्या होता है कि आपने आपके दो एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी एक ही होगी जीरो इंडेक्स पर पड़ा हुआ एलिमेंट और जो वन इंडेक्स पर पड़ा हुआ दोनों हमारा आंसर होगा ओके तो पहला सवाल यह कि अगर यूनी मॉडल हो तो एक ही वैल्यू रिटर्न करेंगे तो वो एक ही वैल्यू आप आ गया अच्छा बाय मॉडल अगर आप करें तो उसमें क्या चेंजेस करेंगे आपको दो वेरिएबल भेजने पड़ेंगे है ना गिवन है कि दो वेरिएबल बाय मॉडल डेटा तो आप दो वेरिएबल भेजेंगे और दोनों में आप जीरो से इंडेक्स में जो पड़ा होगा उसको पहले वाले को साइन कर देंगे और जो सेकंड होगा जी अगर आपको नहीं बताया हुआ तो आपको के मॉडल करना पड़ेगा के मॉडल का मतलब यह है कि आप पहले फ्रीक्वेंसी की बेस पे सॉर्ट कर दें फिर आप देखें कितने शुरू के एलिमेंट्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी एक जितनी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले कितने एलिमेंट्स हैं जितने एलिमेंट्स होंगे के की वो वैल्यू तो इसका मतलब है आपको थर्ड पार्ट करने के लिए एक अरे भेजनी पड़ेगी उसका इसके अंदर मॉड्स होंगे और एक के का पैरामीटर बाय रेफरेंस भेजना जो कि बाय रेफरेंस भेजना क्यों भेजा क्योंकि वो उसी के अंदर रखवा के भिजवाएगा कि मैंने इतने मॉड्स कंप्लीट किए ओके ठीक है तो ये इसका थर्ड पार्ट है जो आप लोगों ने करना है ठीक है पार्ट बी हम कर चुके बाय द वे डिस्टिंक्ट एलिमेंट सब दिखा चुके हैं और सेकंड ये है कि आपने यूनिक निकालने हैं अच्छा ये जो पार्ट्स में डिवाइड है ना वो मेथड बता रहा है डिस्टिंक्ट जो हमने पहले भी निकाले थे वो फिर उसने कहा है कि उनकी उनको आप ऐसे करें सॉर्ट भी कर और सॉर्ट करके डिस्प्ले कर ठीक है ना सेकंड पार्ट है जो नाम है यूनिक एलिमेंट निकाले यूनिक एलिमेंट क्या होते हैं जो अरे में एक ही दफा आते हैं तो आपने यार डिस्टिंक्ट कंप्यूट किए थे तो डिस्टिंक्ट की तरह ही चले लेकिन साथ रखवाने से पहले चेक कर ले वो डेटा में आया कितना अगर वो एक दफा आया तो तब आप उसको यूज की अरे में एंटर करें वरना आप ना ये बस में तो एक्चुअली एस की अरे में जाए आप एस की अरे में जाए एस की अरे में जाए हर ए आई एलिमेंट को पकड़े उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करें अगर उसकी फ्रीक्वेंसी वन आई है तो यूज अरे में वो रखा जाएगा वरना वो नहीं है ठीक है और यूज साइज साथ इंक्रीमेंट है तो यू की अरे आएगी और साथ ये पार्ट आ जाएगा आपका इजीली हो जाना चाहिए मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर ओके ऑलराइट जी द थर्ड अच्छा ये बात अभी हमने तकरीबन जो जो काम कर लिए हैं वो ये कि एक एक फंक्शन जिसके अंदर अरे के ऊपर प्रोसेसिंग करनी थी और जो हमने अभी टेक्निक सीखी है वो ये कि अगर हमने उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर हेल्पिंग अरे बनाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो कैसे करते ये हमने ओवरऑल एक टेक्निक सीखी ये बस में और आपको उस पर घबराहट एक घबरी नहीं चाहिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसके लिए मुझे मजीद छोटी छोटी अरे दफा चाहिए एक चाहिए दो चाहिए पांच चाहिए दस चाहिए आप उसको परेशान नहीं करते ठीक है इसकी बेस पर इनको भी मैंने सॉर्ट करना है इसकी बेस पर इनको सॉर्ट करना है इसके मैं बहुत सारे वेरिएंट्स बना सकता हूँ और जो एग्जाम में मैंने दे दिया ठीक है तो अगर आप ये कर लें ठीक है ना ये असाइनमेंट अगर आप कर लें तो आपकी पूरी अरे जो है वो सीमेंट ओके सो दीज टू डेज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आज का दिन और कल का दिन तो काइंडली आप जो है ना इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छा जी पार्ट सी भी चलते हैं पार्ट सी है अगेन ए ब्यूटिफुल टेक्निक ब्यूटिफुल आइडिया अच्छा सवाल के बहुत सारे प्रॉब्लम टूल एंड टेक्निक जिनको यूज करते हुए आप कोई काम करें ठीक है सवाल जरिए बात सुन जाते हैं मेरे पास एक अरे दी हुई है ये अरे है मैं कुछ नंबर इवन है कुछ नंबर ऑड है ठीक है और कहा क्या गया कहा ये गया है कैसे करें इवन सारे लेफ्ट पे ले और ऑड सारे राइट ये देखें जी ये
ये इवन है, ये यहां पर आ गया, सॉरी ये यहां पर आ गया, ये सारे इवन इधर आ गया, उनका ऑर्डर क्या है? वी डोंट केयर। ठीक है, मैंने क्या बात की कि वी डोंट केयर कि किस ऑर्डर में आया, लेकिन सारे इवन लेफ्ट पे आ जाए और ऑड राइट पे आ जाए। ठीक है जी, कैसे करें? अगेन मैं आपको एक हिंट देता हूं, हिंट करके देता हूं, पहले आपको मैं एक हिंट बोल देता हूं, आप यू आर अलाउड टू यूज एक्स्ट्रा स्पेस। दो ये बना लेंगे कैसे? इवन और इवन की और ऑड कौन बोल रहा है? शाबाश, कोई और है? एक यानी इसी को आगे बना सकते हैं, एक इवन की अलग बना लेते हैं, एक ऑड की अलग बना लेते हैं, उसमें इवन सारे राइट कर। तो पहले ऐसे करते हैं कि इस अरे में ट्रेवर्स करते हैं, इस अरे में ट्रेवर्स करते हैं और जो जो इवन मिलता जाता है उसको इवन में रखते हैं और जो जो ऑड मिलता जाता है उसको ऑड में रखते हैं। बस हमें चलो करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, ये इसका नाम है जी, काइंडली लुक एट दिस, लुक एट दिस प्लीज, इसका नाम है जी सेग्रीगेट, वॉइड सेग्रीगेट इज ओज, ओके, इवन्स ऑड्स, इंटीजर अरे, इंटीजर साइज, अच्छा हम एक काम करते हैं, यहां पे एक इंटीजर ईज की अरे बनाते हैं, इसका नाम इसका सार रखते हैं कैपेसिटी, और एक ऑड्स की अरे बनाते हैं, इसका भी नाम रखते हैं कैपेसिटी, और साथ एक ई साइज बना लेते हैं और एक ओ साइज बना लेते हैं, दोनों की वैल्यू शुरू में जीरो और जीरो कर देते हैं। ठीक है, यहां पे जाते हैं फॉर लूप, इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन जी साइज आई प्लस प्लस, ये देखें गौर से देखें मैं क्या कर रहा हूं जी, ये देखें इफ ए की आई की वैल्यू मोर निकाला टू के साथ, अगर वो डबल इक्वल टू जीरो आए तो क्या करें? तो ईज की ई साइज वैल्यू के ऊपर जाके रखवा दो क्या ए आई वैल्यू, और कॉमा कर देते हैं क्या ई साइज प्लस प्लस। ओके, बाय द वे इसी को कहने का एक और मतलब भी होता है, मैं दिखा देता हूं, इसके एल्स में क्या करें, ऑड वैल्यू आ रही है तो हम क्या करेंगे, ऑड्स की ओ साइज इंडेक्स पे जाके क्या रखवा दो ए की आई एथ एंट्री रखवा दो, और यहां पे कर देते हैं प्लस प्लस। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब यही है, यानी मैंने कॉमा लगा के जो ई साइज प्लस किया है इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपने कितने प्लस प्लस यहां पे किया ये इसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद में, इस स्टेटमेंट को लिखने का एक ही वैल्यू होता है। ठीक है जी, ये हमने इवन और ऑड अलग अलग कर लिए, और जब यहां इस लूप से बाहर आएंगे तो ई साइज में क्या पढ़ा हुआ कि कितने इवन हैं जो मैंने राइट करा, ओ साइज में क्या पढ़ा हुआ कितने ऑड हैं जो मैंने राइट, और अब मैंने ए अरे में राइट बैक कर दिया तो क्या करूंगा, फॉर लूप इंटीजर जी, तो पहले इवन रखवाने तो मैं ई आई इज इक्वल टू जीरो कहता हूं, e i is less than e size और e i plus plus, क्या करें आगे, a e i गलत, मैं यहां पे ना एक और वेरिएबल बना रहा हूं जिसका नाम रख रहा हूं a i, जिसकी शुरू में वैल्यू जीरो। अच्छा, ये आपको पता लगेगा मैं क्यों कह रहा हूं, ये जो a में इंडेक्सिंग करनी है वो a i से, और जो e अरे में इंडेक्सिंग होनी है वो मैं e i से करूंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ए आई इंडेक्स पे जाके ईज का ई आई इंडेक्स रखवाऊंगा और साथ ए आई में प्लस प्लस कर दूंगा। बाय द वे ये ए आई प्लस प्लस चाहो तो यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आ गई, यहां पर भी कर देंगे, यहां पर ए आई प्लस प्लस लिखते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये करेंगे एक और फॉर लूप लगाएंगे, इंटीजर ओ आई इज इक्वल टू जीरो, ओ आई इज लेस देन ओ साइज, ओ आई प्लस प्लस कॉमा ए आई प्लस प्लस,
और यहां लिखेंगे ए ए आई इक्वल टू ओज बी आई। आपके एग्जाम में मैं आपको एक पहले बता दूं बात, आपके एग्जाम में एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसमें एक लूपर या एक नेस्टेड लूपर, ऐसा नहीं। हमेशा इस तरह के सवाल होंगे जो कि हम टेस्ट करेंगे कि आपको प्रोग्राम को ब्रेक डाउन करना आता है, यानी पहले ये चलेगा उसके बाद ये चलेगा उसके बाद ये चलेगा। जैसे पहले मैंने क्या कहा, पहले डिस्टेंस निकाले फिर उनकी फ्रीक्वेंसी निकाली फिर उनकी शॉर्ट किया और फिर जगह काम किया, बस नहीं? तो इस तरह आपको स्टेप्स में डिवीजन कभी आती ही नहीं है। पहले मैंने ये करना, नेचुरली जिस तरह से सोचते हैं क्या उस तरह स्टेप में डिवीजन आती है और हर स्टेप के मार्क्स, ठीक है? तो ये मैं बता रहा हूं आपके प्रोग्राम को आपको डिवाइड करना आता है नहीं आता, दैट इज द कोर टेस्ट ऑफ दिस मिड टर्म, ओके? क्या आपको डिवीजन करनी आती है कि पहले मैंने ये करना फिर मैंने ये करना फिर मैंने ये करना फिर मैंने ये करना, ओके? सही है जी, बिल्कुल। अगला स्टेप हमारा वही, ठीक है? अभी जो हमने टेक्निक यूज किया उसमें हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया, ठीक है? बाय द वे दिस इज अ वेरी फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन, ओके? एंड एक बहुत ही कमाल जो सॉर्टिंग की टेक्निक है वो एक्चुअली इसी प्रॉब्लम से शुरू होता है, ओके? लेकिन जो उसमें इश्यू है, अभी जो हमने टेक्निक यूज किया उसका नाम एक्स्ट्रा स्पेस यूज, इतनी एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं तकरीबन दो अरेज हमने बनाई है अपनी ओरिजिनल अरे साइज की, ठीक है जी। सवाल यह है क्या ओरिजिनल अरे, ये जो दो हमने अरेज बनाई है उसके बगैर ये काम हो सकता है? हमने वही सेग्रीगेशन करनी है इवन एंड ऑड की। सवाल यह है क्या इन अरेज को बनाए बगैर ये काम, पिछले सवाल पिछली क्लास में एक बच्चे ने आंसर दे दिया था, मैं क्या आपको हिंट दे दूं, कैन वी डू सम काइंड ऑफ सॉर्टिंग? उसने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन दिया जिसका मजाक उड़ा था क्लास में, फिर सबने सॉरी किया। हां जी जी, अगर इवन है तो स्वैप करते रहे फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करें, क्या मतलब है? मैंने सॉर्टिंग करते हैं सॉल्व, और याद है सॉर्टिंग कैसे करते हैं, i को i प्लस 1 से कंपेयर करो, अब आप क्या कह रहे हो बात है? आप पहुंच गए हैं लेकिन थोड़ा सा आपका एक मसला है, बताए एक्चुअली स्वैप का डिसीजन बताना है, डिसीजन क्या होगा? एम स्वैप करो, एम स्वैप करो, और दोनों इवन स्वैप करो, दोनों इवन 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 ना हो और आगे वाले इवन हो। अच्छा, तो अगर पहला नंबर आईएथ नंबर ऑड है और अगला i प्लस वन नंबर इवन है तो क्या करें दोनों को? बस आई, तो उसके नतीजे में क्या होगा? अगर यहां पर ऑड है यहां पर इवन है तो दोनों स्वैप हो जाएंगे। ये काम कब तक करते रहे? जब तक मजीद कोई भी स्वैप है, ये काम शॉर्टिंग वाली टेक्निक से किएगा, लेकिन दिस इज अ बैड आइडिया, ओके? इससे बेहतर आइडिया है ये से, बट दिस इस आइडिया की सबसे खूबसूरत बात क्या है, ये एक ही अरे पे काम, लेकिन हमने भी शॉर्टिंग टेक्निक पर दी उसी जो ने शॉर्टिंग टेक्निक उसी उसी का पावर यूज करेंगे, ओके? एक और बड़ी खूबसूरत टेक्निक है, बल्कि हम जो टेक्निक अभी पढ़ाएंगे आप देखिए एक नहीं दो टेक्निक और पढ़ेंगे, ठीक है? जो कि बेसिकली इसी को यूज करेंगे, ओके? वी हैव रन आउट ऑफ टाइम, ठीक है? अच्छा, आपका 7 बजे सेशन है जिसमें मैं इधर से ही आगे चलूंगा, ओके? ये बात सुना है? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। 7 बजे काइंडली जूम पर ऑनलाइन आ गए, थैंक यू।